नमस्कार मित्रों, मैं एसके पाठक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट, पिछले 19 वर्ष से न्यूरोथेरेपी के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा हूं। और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिनको भी एड़ियों में दर्द रहता है या सोल में पेन होता है या फिर फिंगर में लंबनेस होती है, उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रीटमेंट है। आप इसे करोगे तो आपको कुछ ही दिनों में रिलीफ मिल जाएगा पैरों में कोई भी समस्या है। तो देखेंगे किस तरह करना है। सबसे पहले टैल्कम पाउडर लगाएंगे दोनों पैरों में थोड़ा सा। जिनको शुगर के कारण से गद्दी सी लगती है या न्यूरोपैथी हो गई है, उनके लिए भी ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। और ऐसे धीरे धीरे पाउडर लगा के ऐसे रबिंग करनी है पूरे पैर पर। ऐसे इधर और इधर, एक पैर अपना साथ में लगा के रखें क्योंकि आगे पीछे ना जाए पैर। अगर हमें इधर करना है तो इस साइड एक पैर रहेगा मेरा और इधर करना है तो इस साइड ये पैर लगाएंगे। उसके बाद हमें ये बीच में रबिंग करनी है यहां और एड़ी से ऐसे प्रेशर देते हुए नीचे तक जाना है। इस तरह से और दोनों पैरों में करना है इसी तरह। प्रॉपर हमें अच्छे से करना है। पैरों में कोई भी समस्या है, इस ट्रीटमेंट से आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद ऐसे और उसके बाद देखेंगे कर देना है अपने पैरों से। और उसके बाद धीरे धीरे यहां से ऐसे प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर हमने पेशेंट्स को देखा है कि इस जगह पे ज्यादा पेन होता है, एंकल जॉइंट्स पे या अपने आप। पहले बीच में करेंगे, फिर इस साइड, फिर इस साइड, दूसरे पैर पे भी सेम। पहले बीच में, फिर दूसरे पैर से साइड। उसके बाद धीरे धीरे करके हमें ऐसे हल्के से ऐसे 30 बार ब्लड सप्लाई बढ़ानी है नीचे से ऊपर की तरफ। बस ये ट्रीटमेंट्स, एड़ियों में दर्द है या फिर काफ मसल्स में पेन है या फिर न्यूरोपैथी है शुगर के कारण से, हर प्रकार की समस्या में काम करेगा। और आप इसे लगातार कुछ दिन करके देखें, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब लोग इस ट्रीटमेंट का फायदा ले सकें। धन्यवाद।